अज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अवतार गुरपुर में जी शेर तो संगता भाई वीर सिंह हाल तो श्री हरिमंदर साहब जी प्रभाव फिर शामिल हुई से हजारों की गिनती लोग जो गुरु रामदास के चरणों में दस बस घूम आए हैं गुरु घर दिन खुशियां प्राप्त कर आए हैं जी। बस ये अरदास करते हैं कि जो सा नौजवान अजक बहुत ज़्यादा नशे में रुझे हुए हैं उन्होंने महाराज समर्थ बख्शे तो मुख्यधारा में आन पतित पुन नहीं छड़न। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगजीत सिंह खालसा अज धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अवतार गुरपुरब के संबंध में असी अमृत वेले तो भाई वीर सिंह हाल तो चल के सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे संगतां दे भारी इकट्ठ दे नाल संगत गुरद्वारा साहब विखे सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे दर्शन करन वास्ते पहुँचे हाँ अते गुरु रामदास जी महाराज जी पासों झोलियां खुशियां दे नाल भर रहे हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज के चरणों के विच अरदास बेनती की है कि समुची लकाई नूं अपने चरणों के नाल अते नौजवानों नूं नशे अते पतित पुना छड के गुरु जसवंत सिंह की कहना चाहोगे अज दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी प्रकाश पुरब दे तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भवले हो अज दे दिन नवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी माता गुजरी जी कुखो पटना शहर विखे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतार धारिया है। समूह संगतां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के अवतार पुरब की लख लख वधाई होवे। दीन दुनी दे मालका की आखां तेरे तोल ते किसे ने तुलना नहीं टोटे जिगर ते किसे ने वारने नहीं बादशाही छड के जंगली रुलना नहीं तेरे वांग मिटा के आप ताई किसे बाग संसार ते फुलना नहीं और तेरी पाठशाला अंदर पड़े जड़े और किसे दे भलावें भुलने नहीं आपे गुरु आपे गुरचेला उच्च दा पीर बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी सरबंसदानी किवें सीगे टेंदे देश का जदों सहारा नहीं सी उदों पिता इस देश तो वारिया मैं माता गुजरी सरहंद दे विच गुजरी समा गुजरिया जिवें गुजारिया मैं चार पुत सन बख्शे परमात्मा ने जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं मैनू मत शहन शतरी कहो सिंह किश्तां नाल दा करजा तारिया मैं। अज जे हिंदुस्तान आजाद है तां उस वेले औरंगजेब जबरदस्ती मुसलमान सारे नूं बना रहा सी तां गुरु तेग बहादुर जी दी शहीदी दे नाल जदों गुरु गोबिंद सिंह ने 9 साल की उम्र च गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली भेजा सी अपना शहीदी देण लई ते हिंदू धर्म की रक्षा करन लई जे अज देश हैगा तां दशमेश करके है ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। अज वेख लो की माहौल होना सी ये गुरु गोबिंद सिंह जी की कुरबानी है गुरु तेग बहादुर की कुरबानी है जिहड़े कि अज आपां आज़ादी नाल घूम रहे हाँ। इसलिए अज दे दिन की समूह संगतां नूं लख लख वधाई होवे। 1699 ईस्वी विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की पंज प्यारे साजे रंगरेटे आख के मैं किरती का सत्कार करता हाँ जिन्होंने दरस अंतम बाप का मैनू कराया सी मैं नाइया छीमिया झीवरिया खतरिया तो जुल्म की छट लाने लई ताइयों खालसा पंथ साजन का कुतक चाया ही। गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवनी की मिसाल सारी दुनिया चो नहीं मिलती एहो जी पुत्रां दे दानी सरबंस दानी दे अज तुहानू गुरपुरब की लख लख वधाई होवे। पहला 21 तो लैके 28 तरीक तक सरहंद दा विच जो अपने विरागमय दिन चल रहे सी ते अज जिहड़ा हैगा वै गुरु गोबिंद सिंह का गुरपुरब नाल ही अगले दिन ही आ गया है तो जिहड़ा है संगतां विच बहुत आस्था है तो इसलिए नवा साल भी नाल आ रहा है उनकी आस्था भी नाल हैगी है। इसलिए जिहड़े है गुरु गोबिंद सिंह जी दी नूं हरेक जिहड़ा हैगा प्राणी सिद्धा करन लई गुरु घर विच नतमस्तक हो रहा है।